तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल एक्सेल की फॉर्मूले, और एक्सेल फॉर्मूले में बात आपकी हम करेंगे वो करेंगे आपके एक्सेल वर्क एक्सेल के डेट एंड टाइम कैलकुलेशन से। तो डेट एंड टाइम को पहले समझिए कि अगर आप एक्सेल पे कोई डेट डालते हो तो डेट डालने का तरीका क्या होता है। देखिए मोस्ट आपका जो सिस्टम इंस्टॉल करते समय या फिर आपके जो सेटिंग में रीजनल सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग होता है MMDDYY, पहले मंथ फिर दिन फिर वाई। मतलब मुझे आज का डेट लिखना है तो मुझे लिखना होगा 3/28, और हम सेम ईयर का डेट लिख रहे हैं तो मुझे ईयर डालने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस या फ्यूचर ईयर डालोगे तो ईयर का डालना पड़ेगा, फिर एंटर मारिए, डेट अपने आप कंसीडर कर लेगा और डेट आपको दिखा देगा। लेकिन कुछ लोग क्या है कि डेट इस तरह से डाल देते हैं कि 28/03/2019, ये डेट गलत है क्योंकि सिस्टम इसको डेट समझता ही नहीं है। समझे? तो इस तरह की डेट अगर आपको आ गई तो इसको आप कन्वर्ट करने के लिए यहां टेक्स्ट टू कॉलन में जाएं और टेक्स्ट टू कॉलन में डेटा मेनू बार के अंदर नेक्स्ट और यहाँ आपको जो डेट आएगा उसमें DMY के जगह के MDY के जगह पे DMY सेलेक्ट करके फिर फिनिश कर दें तो फिर वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा क्योंकि सिस्टम में डेट, अब देखिए हर लोग माने मोस्टली सिस्टम तो MMDDY पे होता है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं DDMMYY, मतलब कि वहाँ पहले दिन लिखा जाता है फिर महीना फिर ईयर, तो उसमें प्रॉब्लम होने की चांसेस होते हैं। चांसेस क्या होते हैं प्रॉब्लम होने के कि मैं मान लीजिए कि आपको भेजता हूं 12 जनवरी और क्योंकि मेरा सिस्टम है MMDDYY पे, जैसे आपके पास वो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है DDMMY में तो मेरा दिन आपका महीना बन जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 दिसंबर। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि इसको पहले सेपरेट कीजिए, डे दिन अलग हो जाएगा, फिर मंथ मंथ अलग हो जाएगा और मंथ हाँ और फिर ईयर ईयर अलग हो जाएगा इसमें से। तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हो और फिर डेट के जगह से इसको मर्ज कर सकते हो कि डेट ईयर मंथ एंड वाई। मतलब कि अगर आप अपने आपने किसी को डेट भेजा, डेट फॉर्मूले में डाल दिया कि 2019.3.28, तो उसका डेट का फॉर्मेट चाहे जिस तरीके से हो, जिस तरीके का फॉर्मेट DDMMYY कोई फॉर्मेट हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डेट इसी तरह का सेम फॉर्मेट में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। इसलिए आप जैसे देखते होंगे जैसे गूगल वगैरह बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल साइट्स वगैरह हैं वहां पे आपको एक है तो कैलेंडर दे देता है, नहीं तो आपसे ये अलग अलग इस तरह से बर्थ ईयर लेता है। इस तरह से आप किसी डेट का डेट में से डे मंथ ईयर को स्प्लिट कर सकते हैं, फिर वापस उसको कंबाइन कर सकते हैं डेट फॉर्मूला से। तो स्प्लिट कैसे किया, इसलिए आपको नेटवर्क चला गया था। स्प्लिट करने का सिंपल सा, डे के लिए हमने डे का फॉर्मूला लगाया, ईयर के लिए मंथ के लिए हमने मंथ का फॉर्मूला लगाया और ईयर के लिए हमने ईयर का फॉर्मूला लगाया। समझ गए? जी जी और फिर डेट में कंबाइन कर दिया।
हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए कि आपके पास एक डेट आपके पास आता है टुडे, जो कि सिस्टम डेट आपको बताता है, ठीक है, और ये सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, जैसे आज 28 दिखा रहा था, कल चेंज होके 29 हो जाएगा, तो ये अपने आप को अपडेट भी करता है। और उसी तरीके से हेलो, जैसे आज सिस्टम डेट जैसे चेंज होगा ना यहाँ पे, ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो मुझे इसी डेट में मान लीजिए 20 दिन जोड़ने हैं, ओनली फॉर 20 डेज, तो आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, या भी घटाना है तो डायरेक्ट आप इसमें घटा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेट में मान लीजिए 3 महीना जोड़ना है, क्या हो रहा है, 3 महीना जोड़ना है, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 × 30 और आप 90 डे ऐड कर दो, वो गलत होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ई डेट का। ई डेट में हम डेट को सिलेक्ट करते हैं और जितना मंथ आपको ऐड करना है उस मंथ को ऐड कर लीजिए, आपको यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ जाएगा 3 महीने बाद की। अगर आप घटाना चाहते हो तो इसी को -3 कर दो, तो ये आपका सब्ट्रैक हो जाएगा कि 3 महीने पहले की डेट क्या थी या 3 महीने बाद की डेट क्या थी, ठीक है सर। जी सर, जी सर, ठीक है। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी डेट में 2 साल 4 महीने और 30 दिन ऐड करने हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहां होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हम डेट का फॉर्मूला लगा, डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस डेट के फॉर्मूले में से हम ईयर को अलग करेंगे और इसमें से जैसे 2019 को अलग हो गया, फिर इसमें से मंथ चाहिए तो मैं मंथ को इसमें से ऐड करूंगा और कॉमा डे है तो डे अलग करूंगा, तो ये दोनों अलग हो गए। अब इसमें जो है आप जैसे 2 साल बाद का चाहिए तो +2 कर दीजिए, 4 महीने बाद के चाहिए तो 4 महीना कर दीजिए, और 30 दिन का चाहिए तो +30 कर दीजिए, ये आपका डेट आपको यहां बन के आ जाएगा। समझ गए आशीष जी? तो जी सर, जी समझ आ गया ना आपको सर? तो किसी डेट में अगर दिन जोड़ना है या घटाना है तो आप सिंपली प्लस माइनस कर सकते हैं, महीने जोड़ने घटाने हैं तो उसके लिए ई डेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन दिन महीना डेट तीनों ऐड करना है तो उसके लिए फिर आप डेट फॉर्मूले के अंदर ईयर मंथ डे से स्ट्रैक करके फिर उस पे आप प्लस कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला ऑप्शन जो इसमें आता है उस पर चलते हैं। अब मान लीजिए कि अब तो हमने यहां पे एडिशन बताया कि हम एडिशन डेट में कैसे करते हैं, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस की। अब दो डेट की बीच की अगर डिफरेंस अगर निकालने हैं तो सिंपली लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर देंगे तो दो डेट की डिफरेंस यहां पे निकल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे डेज नाम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेज में एंड डेट और कॉमा स्टार्ट डेट करेंगे तो भी आपको निकल जाएगा। हेलो, अब बात करते हैं कि दो डेटों के बीच में मुझे सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना है, तो उसके लिए हम यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा
एंड डेड, और मुझे इसमें अगर कोई हॉलीडे लिस्ट है सैटरडे एंड संडे के अलावा, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे कस्टर्ड हॉलीडे, कोई हॉलीडे लिस्ट है, तो उस हॉलीडे लिस्ट को आप यहां से सेलेक्ट कर लें। तो उसको इग्नोर करके बताएगा कि नेटवर्किंग डेज क्या है, आपकी छुट्टी के दिन को हटा दी गई है, सैटरडे संडे को हटा दी गई है, तो नेटवर्क डेज उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको सिर्फ संडे संडे अलग करना है या फिर कोई पर्टिकुलर डेज अलग करना है, तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क डेज डॉट INTN, मतलब कि इंटरनेशनल, लेकिन ये आपका 2010, 13, 16, 19 में मिलेगा, 2007 में नहीं मिलेगा। इसमें हमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और फिर चूज करने के बोल रहा है आपकी वीकेंड्स कि आपकी छुट्टी कब होती है। तो संडे मंडे मंडे ट्यूजडे यहाँ पे फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। और मैंने बोला कि मैं सिर्फ संडे होता है, संडे को सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, तो ये 75 डेज हुआ। और इसमें भी आप चाहो तो हॉलीडे लिस्ट को इंक्लूड कर सकते हो, और इंक्लूड कर लीजिए जो जो हॉलीडे है। अब हॉलीडे लिस्ट डालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हॉलीडे लिस्ट आपको डेट इन बिटवीन होना चाहिए, वो आप पूरे साल का लिस्ट सेलेक्ट कर लो, वो खुद ब खुद चेक कर लेगा कि इन दोनों डेट के बीच में कोई डेट है कि नहीं है, है तो उसको इग्नोर कर देगा। तो नेटवर्क डेज डॉट INTN इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आज मैंने एक वर्किंग रिक्वेस्ट बैंक को भेजा है, और बैंक ने मान लीजिए कि बोला कि आपको 15 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा, तो आफ्टर 15 दिन कौन सा डेट पड़ेगा जब कंपनी बैंक हमारा सैटरडे संडे ऑफ है या किसी और गेस्टेड डे पे ऑफ रहता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क डे का, वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज, और फिर यहाँ पे आप अपने हॉलीडे लिस्ट को सेलेक्ट कर लें, ये आपको डेट बता देगा। लेकिन आपका बैंक या कंपनी जो है किसी पर्टिकुलर दिन पे बंद होता है, ना कि सैटरडे एंड संडे या सिर्फ संडे बंद होता है, तो भी आप यहाँ पे workday.intl मतलब कि इंटरनेशनल का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये भी आपको 2007 के बाद के एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे। इसमें आपको चूज करना होता है कब छुट्टी है, चूज कर लिया आपने, और फिर यहाँ पे अपना हॉलीडे लिस्ट सेलेक्ट कर लें, ये आपका डेट दिख जाएगा। कोई डाउट सर? नहीं सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट अगर मान लीजिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टुडे का डेट डाला तो आज का डेट दिखा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें मान लीजिए कि जो महीना है उस महीना का स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए, तो टुडे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ईओ मंथ का। देखिए ईओ मंथ क्या करता है, किसी भी महीने में को किसी महीने किसी भी डेट को सिलेक्ट कीजिए और 0 दे दीजिए, तो उस महीने का लास्ट दिन आपको बता देगा, समझ गए? तो टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट दिखाता है, तो ये आपका लास्ट दिखेगा, मतलब कोई भी डेट डालेंगे तो उसका लास्ट महीने का लास्ट दीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला 1 जनवरी, आप डालते हो 1 फरवरी, फिर आप डालते हो 1 मार्च, फिर डालते हो 1 अप्रैल, तो इसमें मुझे स्टार्ट डेट आ गया, अब मुझे इसका एंड डेट निकालना है, तो उसके लिए आप ईओ मंथ का इस्तेमाल करें। ईओ मंथ यहाँ पे मंथ में 0 कर दीजिए, और फिर ये आपका हर महीने का एंड डेट निकाल देगा कि हाँ 31 है, 28 है, 31 है, 30 है, इस तरह से निकाल देगा। लेकिन मान लीजिए कि ये महीने का स्टार्ट डेट निकल गया, एंड डेट कैसे, फर्स्ट एंड डेट निकल जाता है, स्टार्ट डेट कैसे निकलेगा? तो ईओ मंथ में ही आपके पास फैसिलिटी होती है यहाँ पे नंबर्स की, अगर मैंने 1 कर दिया तो ये अगले महीने का लास्ट डेट दिखाएगा,
अगर यहाँ पे मैं टू कर दिया तो दूसरे महीने की, उसी तरह से अगर माइनस वन कर देंगे तो पिछले महीने की, तो माइनस वन करने के बाद जो डेट आए उसमें प्लस वन कर दीजिए तो अगले महीने की कैलेंडर दिख जाएगी आपको, समझ गए? जी सर। तो ये हमारा डेट की कैलकुलेशन है, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइम की कैलकुलेशन। और डेट में कुछ और कैलकुलेशन चाहिए आपको तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको बोल देंगे, बता देंगे तो सही तरीके से, ठीक है सर? ये एक कैलकुलेशन रह गई है, माफ कीजिएगा, एक कैलकुलेशन रह गई है, एक होता है डिफरेंस निकालना। मान लीजिए ना कि अविनायक जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 9/9/1995। 9 यहाँ पे 9/1995। अब आज डेट हो रहा है ए, मुझे इनका एज निकालना है, ईयर मंथ एंड डे, कि कितने साल कितने महीने और कितने दिन के हैं। उसके लिए हमारे पास डेटेड इफ का फॉर्मूला होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेटेड इफ का जो फॉर्मूला है वो आपका एरे फॉर्मूला है, सॉरी माफ कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एडिंग्स फॉर्मूला है, इसलिए वो लिस्ट में नहीं आता है, इसलिए आप पूरा लिखिएगा, फिर स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और फिर इसके बीच में मैंने वाई लिख दिया, वाई इट मींस ईयर, तो ये आपका ईयर दे देगा। फिर मैं यहाँ पे डेटेड इफ देता हूँ और देता हूँ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसके बीच में हम कर देते हैं वाई एम। देखिए इसमें सिर्फ एम लिखेंगे तो एज इन मंथ आ जाएगा, जैसे 200-300 महीना जो होता है वो महीना आ जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया वाई वाई एम दिया, मतलब कि ईयर के बाद का मंथ। फिर यहाँ पे देते हैं डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें हम दे देते हैं एम डी, तो आ जाएगा। तो अविनायक जी का एज हो गया 23 साल 6 महीने 19 दिन। दोबारा को सर। बढ़िया सर। तो इस तरह से एज निकाल सकते हैं डेटेड इफ की मदद से। और सर इसको एक ही कॉलम में लाओ तो तीनों को, तीनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दीजिए एन परसेंट से, इस तरह से इयर्स स्पेस दे दीजिएगा और इसमें भी स्पेस दे दीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, मंथ्स और इसमें भी स्पेस, और एंड ठीक है दे दे। और जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है D3 F3, उसके जगह इसका फॉर्मूला डाल दीजिए। विनायक जी तो बहुत छोटे हैं सर। विनायक जी तो बहुत छोटे चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल, कल हम बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन की, ठीक है सर?